में बात करते हैं। एमएस का मतलब होता है माइल्ड स्टील। आज एमएस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्री एंड हमारे डे टू डे लाइफ में भी यूज हो रहा है। आज लोहा सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला इंडस्ट्री बन चुका है। एमएस स्ट्रक्चर्स में मेनली ये आइटम्स आते हैं, एमएस पाइप्स, एंगल, चैनल, बीम, फ्लैट, सीट एंड प्लेट्स। सबसे पहले हम पाइप के बारे में बात करते हैं। पाइप मेनली दो टाइप के होते हैं, राउंड एंड रेक्टेंगल। ये मेनली कंस्ट्रक्शन, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्रीज में यूज होता है। पाइप के मेजर एडवांटेजेस हैं कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ड्यूरेबल है, वर्सेटाइल है और रिसाइकलेबल है। एंगल, ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जहां पाइप यूज हो रहे हैं, एमएस पाइप। नाउ एंगल्स, एंगल्स बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस, रैक, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में यूज होता है। फिर चैनल्स, चैनल्स किसी भी स्ट्रक्चर खड़ा करने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाती है। ये डोर, विंडोज, आपका एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाने में यूज होता है। फिर एमएस बीम मेनली ब्रिजेस और या कोई भी मेजर स्ट्रक्चर खड़ा करने में सबसे ज्यादा मतलब यूज होता है। ये मेन फाउंडेशन में यूज होता है। सीट एंड प्लेट्स, प्लेट्स मेनली कोई भी ट्रेलर बनाने में, वाटर ओवरहेड वाटर टैंक बनाने में यूज होता है। ये तो आइटम्स हो गए। अभी हम बात करते हैं जहां एमएस स्ट्रक्चर्स का सबसे, इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं जहां एमएस स्ट्रक्चर्स का सबसे ज्यादा यूज होता है। फर्स्ट रेलवे। आज रेलवे में 90% एमएस स्ट्रक्चर्स ही यूज होता है। रेलवे वैगन से लेके उनके ट्रैक से लेके ब्रिज, रेलवे स्टेशन, सब जगह एमएस स्ट्रक्चर्स का ही यूज है। फिर वेयरहाउस, आपके आसपास कोई भी वेयरहाउस आप देख रहे हैं या कोई भी बड़ा शेड देख रहे हैं, उसमें 80-90% एमएस स्ट्रक्चर्स लगा हुआ है। बीम, चैनल, एंगल, प्लेट, सीट, सब कुछ वेयरहाउस का सभी आइटम, मेन आइटम वही है। ब्रिज, कोई भी ब्रिज का मेन फाउंडेशन, मेन पूरा फ्रेम ही एमएस स्ट्रक्चर पे खड़ा हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा बीम, चैनल, एंगल लगता है। ट्रेलर्स, जब आप घर से निकलते हैं रोड पे या एनएच पे कोई भी ट्रेलर देखते हैं, जैसे ट्रक ट्रेलर हो गया, ट्रैक्टर ट्रेलर हो गया, ये पूरा पूरा एमएस स्ट्रक्चर पे, जैसे चैनल हो गया, बीम हो गया, एमएस प्लेट से बना हुआ है। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर एंड इलेक्ट्रिफिकेशन, आपके आसपास कोई भी इलेक्ट्रिकल का स्ट्रक्चर खड़ा है, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर हो गया, इलेक्ट्रिकल पोल हो गए या ट्रांसमिशन के लिए जो खंभे यूज हो रहे हैं, सब कुछ एमएस स्ट्रक्चर से ही बना हुआ है। ब्रिजेस एंड ओवरहेड ट्रेन्स जो कि हमारे निखिल भाई बनाते हैं, वो पूरा एमएस स्ट्रक्चर से बना हुआ है। कोई भी इंडस्ट्री को आज आप खड़ा करना चाहते हो, उसमें 70-80% एमएस स्ट्रक्चर्स के आइटम्स लगते हैं। ये सब तो कुछ फोटोग्राफ हो गए जहां पे एमएस स्ट्रक्चर लगा हुआ है। फिर ये इंडस्ट्री को छोड़ के आजकल हमारे घरेलू जिंदगी में भी काफी एमएस स्ट्रक्चर का यूज होता है। जैसे कि आपके घर के जो कोई मेन गेट हो गया, खिड़की हो गया, दरवाजे हो गए, बेड, चेयर या किसी टाइप का सेट बना हुआ है, टेम्परेरी सेट, वो सब कुछ एमएस स्ट्रक्चर से ही बनता है। ये कुछ हमारे डिलाइटेड बीएनआई कस्टमर्स हैं। नाउ आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर निकेत मेहता टू से समथिंग अबाउट माय ऑर्गेनाइजेशन। वो नेचर काफी सपोर्टिव है, काफी गाइडेंस मिलता है उनसे। हमारी लाइन में रस्ट बहुत ज्यादा लगता है स्ट्रक्चर्स में, इनसे जो मटेरियल लिया जाता है उसमें रस्ट बहुत कम लगता है, रेगुलर फ्लो है इनके पास मटेरियल का। तो मेन तो होता है कि गाइडेंस जो होता है नए लोगों के लिए, जो नई लाइन में आते हैं उनको ये गाइडेंस बहुत अच्छा देते हैं, क्योंकि सेंट्रली लोकेटेड है इंडस्ट्रियल एरिया में, तो इनसे मटेरियल लेने में ट्रांसपोर्ट भी बहुत ईजी पड़ता है, ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट भी करके देते हैं। एंड मैं जब से इनसे काम कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि तकरीबन 2-4 महीने में ही 3-4 लाख रुपए का मेरे को बेनिफिट हुआ है सिर्फ परचेज में। तो परचेज में भी मतलब काफी कम मार्जिन में वो काम करते हैं और बहुत अच्छी फैसिलिटी और सर्विस देते हैं। थैंक यू। आप मुझे एमएस के जो ब्रोकर हैं, जो एमएस स्टील के ब्रोकर हैं, रिटेलर हैं, फैब्रिकेटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स जैसे सिविल कॉन्ट्रैक्टर